नमस्कार दोस्तों, वीडियो में देखें दोस्तों, डिश टीवी के शेयर में 1 नवंबर के लिए क्या क्या लेवल से टारगेट को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों नोटिस कर सकते हो, डिश टीवी का हम देख रहे हैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा हुआ है। ओवरली स्टॉक आपको यहाँ पे क्लियर लेके अप ट्रेंड में कंटिन्यू करता हुआ देखने को मिल रहा है। दूसरा कंडीशन आप देख सकते हो, स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो कि 22-23 रुपये में है। जब स्टॉक यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से ट्रेड कर रहा है, जब इसको ब्रेकआउट करेगा तभी स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों डिश टीवी के शेयर में अगर बात करें कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या क्या लेवल से टारगेट को हमें ध्यान में रखना चाहिए, तो आपको दिखाई दे रहा है ये रहेगा रेजिस्टेंस लाइन 17 रुपये 45 पैसे में, और नेक्स्ट रहेगा दोस्तों यहाँ पे 18 रुपये 25 पैसे में। जब इसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर रहेगा 19 रुपये 25 पैसे का सपोर्ट लाइन दिखाई दे रहा है, 16 रुपये 55 पैसे में रहेगा। अगर इसको ब्रेक डाउन करें 15 रुपये 60 पैसे में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज बनाया गया है, स्टॉक में बाय सेल होल्ड करने की कोई भी सलाह सुझाव नहीं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।